फिर उसने मतलब कि मेरे को कई बार बोल दिया था कि तुम मेरे घरवाले से फ्रेंडशिप कर ले, और मैं भी करती थी, शादी से पहले भी करती थी, अब भी करती थी, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सपना ने आपको बोला कि मेरे हस्बैंड से फ्रेंडशिप कर ले, ये बात थोड़ी एक चुभने लायक है, क्योंकि औरत जात जो बोलते ना, वो कोई भी शायद ये नहीं चाहेगी कि मेरे आदमी साथ में किसी का, मेरे आदमी किसी साथ अफेयर हो। कोई औरत नहीं चाहेगी सर, मैं भी नहीं चाहती, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन उसको है ना क्या है, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं था, उसको सिर्फ पैसे से मतलब था। वो मतलब कि मेरे सामने बोलती थी, एक दो मेरी फ्रेंड भी हैं उनके सामने भी उसने बोला है कि मैं तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ आई थी, और मेरे को ये पता होता कि मैं ये इतना कंगाल है तो मैं इसके साथ कभी भी शादी नहीं करती। लेकिन ये अभी मतलब कि जो साफ साफ मना कर रही है, ये सारी सच्चाई है, उसने अपने मुंह से बोली थी कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और मैं अभी भी बात करती हूँ, शादी से पहले भी करती थी। और उस टाइम पे मतलब कि उसकी एक बहन है सपना की, उस टाइम पे वो मौजूद थी जब उसने ये बात बोली थी, और उस लड़के के हमारे पास आज भी रिकॉर्डिंग है, वो खुद ये बोल रही है कि सपना ने मेरे सामने बोला था, वो मना कैसे कर रही है। फिर बेटे आपने जब सपना कहने पे यहाँ अनु भाई जी से अटैचमेंट रखी, आपने ये तो पता होगा इनको एक बच्चा भी है पहले। जी सर पता था। फिर ऐसा ये बेटे सोचा नहीं कि आप ये गलत रास्ता चुन रहे हो, इसका अंजाम गलत होगा, शायद आपका फ्यूचर खराब हो सकता है, घर में आगे विवाद बन सकते हैं। सर क्या था, हमने मतलब कि सपना ने एक दो बार अपने फोन से मेरी बात करवाई थी इनसे, तो वैसे ही मतलब कि नॉर्मली बात हुई थी। फिर दो तीन महीने बाद मैंने इनको मतलब कि सपना से भी बोलना बंद कर दिया था और अनूप से भी, उसके बाद मेरा इससे कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर अब उन बातों को दो ढाई साल निकल गए थे, अभी पता नहीं इनकी 10 महीने पहले क्या बात हुई। फिर इन्होंने मतलब कि मेरे पास फ़ोन किया था एक हफ्ता पहले कि सपना बोल रही है कि तू बात कर ले, उसने मेरे से फ़ोन मिलवाया है। फिर मैंने सपना को बोला था कि मेरे से फालतू बात मत करो, फिर वो एक हफ्ते बाद हमारे घर पहुँच गई। घर पहुंची है, झगड़ा हुआ क्या उस टाइम? आपका रिश्ता तय रखा था जो बता रहे ना कि हाँ मेरा रिश्ता कर रखा था सर, और फिर उसने घर जाके पहले तो मेरे घर वाले इकट्ठा किए, फिर उसने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया, मेरे घर वालों ने उसके सामने हाथ भी जोड़े कि ये बेटा ऐसा मत करो, हमारी लड़की का रिश्ता कर रखा है, पूरे गाँव में बदनामी हो जाएगी। लेकिन उसने इतने गंदे गंदे शब्द यूज करे, पूरे गाँव में मतलब इतनी बेइज्जती कर दी मेरी भी, और साथ के साथ अपने हस्बैंड की भी, क्योंकि इनके हस्बैंड की भी होती है। उस टाइम तो उन्हीं के थे। हाँ तो फिर मतलब कि दो दिन निकल गए थे उसने, तब ये मेरे गांव में किया था, तब दो दिन तक भी मेरे घर वालों ने ये सोचने बोले कि कोई बात नहीं, गांव को तो पता ही है कौन कैसा है। तो फिर मैं यहाँ फ्लिपकार्ट ऑफिस में काम करती थी, दो दिन निकल गए थे, फिर वो मेरे ऑफिस में भी पहुँच गई, वहाँ जाके भी उसने बखेड़ा करा, पूरा बाजार इकट्ठा कर लिया। बखेड़े का जहाँ रिश्ता तय हो रहा था वहाँ खबर लगी होगी आपकी? हाँ वहाँ सर खबर पहुँच गई थी, मुझे नहीं पता उसने फोन किया या क्या किया, लेकिन वहाँ तक खबर पहुँच गई थी। फिर उनका हमारे घर फोन आया कि कोई लेडीज है, हमको बोल रही है वो कि मतलब कि गंदी बातें बोल रही है कि वो मेरे घर वाले के साथ ऐसा करती है, उसके साथ शादी मत करना। फिर उसने मेरी मतलब कि मेरे घर वालों को भी बोला कि मैं तुम्हारी लड़की का कहीं रिश्ता नहीं होने दूंगी, इसको बर्बाद कर दूंगी। फिर अब तब जाके हमने ये कदम उठाया था, हमारे कुछ ऑप्शन ही कुछ भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए हमने ये कदम उठाया था। फिर क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के साथ मेरा नाम तो जोड़ ही दिया था पूरे गांव के सामने, पूरे बाजार में, तो फिर मेरे पास यही रास्ता हुआ इससे अच्छा, फिर नाम तो जुड़ ही गया तो मैं इसके साथ ही रहूँ, फिर और मैं कहाँ जाऊँ, बस यही ऑप्शन था मेरे पास। ये बिल्कुल फैक्ट है जी, इसमें सपना कितनी ठीक कह रही है, ये लड़की कितनी ठीक कह रही है। आपके माँ बाप पे भी ऐसी चोट खा के पंचायत के सामने, पुलिस के सामने एक पुत्र वधु आके हाथ उठाएगी, और माई के पक्ष के आके और माँ बाप पे और अपने पति पे हाथ उठाएंगे, वो गुना ज्यादा बड़ा है, या उससे दुखी आके अपना एक अच्छी खासी जिंदगी घर बसा के, लिविंग रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा के घर बसाना, ये गुना ज्यादा है। आप समझ सकते हो ये हालात है। हाँ जी, ये 24 तारीख के वो कह रहे जी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये 24 तारीख की FIR है, इसमें चार चार धारा है हम पे पुलिस ने लगा के और अरेस्ट कर रखे थे हम, ये देख लो पांचों के ऊपर, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। जो लड़के हमने रंगे हाथ पकड़े थे वो पुलिस ने आज तक भी छोड़ रखे, उनके ऊपर आज तक भी कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। मेडिकल वाला होगा आपका? हाँ मेरा मेडिकल भी है। ये मेडिकल किस किस का है? ये मेरा है जी मेडिकल। पापा को गुम चोट थी, एक चोट थी, इसलिए हमने ज्यादा किसी का मेडिकल बनवा नहीं, मुझे ज्यादा चोटें थी, आज भी थोड़े थोड़े निशान है, पता नहीं किस चीज से मेरे ऊपर
वार किया था, ये खरोंच के निशान है, तीन तीन चार चार यहाँ भी हैं, और ये यहाँ से भी दिख रहा होगा कुछ आपको, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। नहीं, जो लड़के घर से निकले हैं वो लड़ाई झगड़े में, या उनका नाम, उनके नाम FIR कार्रवाई कोई नहीं है? उनके खिलाफ हमने FIR दे रखी है जी, लेकिन आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो सपना के पास अननोन आदमी आ रहे हैं वो उनका नाम लेते नहीं होगी? वो कहते जी मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो रिश्तेदार थे ही नहीं, नहीं हमारे रिश्तेदार थे नहीं उसके, उसने किसी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया, फिर वो उन किसी लड़कियों की दोस्ती करवा के उनके बॉयफ्रेंड को बुला के घर पे गंदे काम करवाती थी कि मेरा और मेरे हस्बैंड का तलाक का केस चल रहा है, यहाँ कोई आता नहीं, तुम कहीं बाहर मत जाओ, मेरा घर सेफ है तुम्हारे लिए, मतलब ऐसा कुछ कह के उनको बुला के वो करवाती थी। वो लड़के पहले भी एक दो बार आ चुके थे, हमने CCTV में वीडियो है उनकी, एक बार पहले की भी कई बार वो आ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो नहीं वैसे मिलने आते होंगे मिलने आते होंगे, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये लड़कियां भी इनके साथ अंदर आती हैं और ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, तब मैंने उस दिन रंगे हाथ उनको पकड़ा था। वो आज तक पुलिस ने छोड़ रखे हैं, पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, उल्टा जो गांव का ये कह रहा कि मैं सरपंच हूँ जो विजय शर्मा, वो उनको छुटवाने में शामिल था, वो कह रहा है कि इनको जाने दो नहीं तो मैं तुमको ये यहाँ ऐसे ही बुलाएगी, अगर इनको नहीं जाने दे तो तुमको मारूंगा मैं और गाँव से निकलवा दूंगा। आपकी जो है सपना गलत काम करने को रोकेगा तो वो बक्सेंगे नहीं उनको? हाँ ऐसा वो सरपंच कह रहा है। वो सरपंच साहब की गांव में सपना के तहत गलत काम करने की अनुमति पूरी है जी, इनके खेत के पड़ोसी हैं जी, इनके विचार और लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो अपना शुभ नाम क्या है जी? अशोक है जी। अशोक, ये जो खेत का विवाद बना था, खेत में लड़ाई झगड़ा होना, खेत ना बोन देना, ये इसके बारे में आपने क्या देखा था? देखा था मैंने, इसका खेत लिया था मारने, ठीक है, बोन खान खातर। हाँ बोन खान खातर, 13.5 हजार में, 13.5 हजार में साले तो ठेका हुआ है नॉर्मली। हाँ तो फिर मारो परिवार जाके नोले में जाँच मार के रखे, इसको खेत नहीं बो। मतलब ये शब्द कौन कहने लगे कि नहीं बोन देंगे? हाँ पक्ष कहने लगे बोन, ये शब्द कौन कहने लगे नहीं बोन देंगे आपको? ये हमारे परिवार का जी। आपके परिवार कौन है वो तो पूछ जी। वाह बाप जरा है, एक करतार था, अच्छा एक गया जी दनपट गया था। करतार का इनके अनूपर की जमीन तो मतलब के रिश्ता जो नहीं बोन देगा? हाँ नहीं जो ये नहीं 60 ग्राम का हमें पंच जाट मार के रखियो। अरे कल ने वो आदमी आप आपकी जमीन ने भी वो बोन तनाट जाएंगे अपनी नेमत, वो उसने भी छोड़ दोगे फिर आप? हाँ तो जी क्या करें फिर, मेरे घर तो मैं छोड़ दी आज जमीन बोनी खानी छोड़ दी। हाँ। फिर कल ने घर पे बात आ गई, घर ने घर में भी नहीं जाओगे, अपने घर में भी नहीं जाओगे, उसमें जाना छोड़ दियो फिर तो उसको तो जी क्या करूँ फिर, मैंने फिर मैं वो दादी मैं टाक कर दू। यहाँ की एरिया की पुलिस कहाँ है फिर? बाड़ा जी। यहाँ थाना चौकी लगता हुआ कोई बाड़ा लगे जी? नहीं उसके पास जाते नहीं आप लोग? ना जी मत कौन गए, मैं दे रहा है फिर आपको बोले ही नहीं होगा, फिर मना करा ही नहीं होगा फिर? मैं जी बिल्कुल आए ना नाटियो में भाई, मैं तेरे खेत कौन बोलूँ? कल को आपको लठ मार देंगे फिर भी मत जाइयो वहाँ। तो जी बात हो मन आगे ज्ञान तो कोई नहीं, ये क्या तो आपको उन्हें बोला नहीं खेत मत बो, बोला है तो फिर गए क्यों नहीं? मैं जी मैं थाने में नहीं गए। सबसे मोटी गलती है जी आपकी, आप उम्र मेरे से बड़े हो, पुलिस इसी की चीज दवा काम नहीं जी, मैंने तो पुलिस पहले जाओ बेरो को नहीं आता। हाँ जी क्या बोले जी? ये इस तरह बोले हम बड्डे सस्ते पानी नहीं लेने देंगे, नहीं खेत बोने देंगे, नहीं बात करेंगे। आपके आप वाला खेत? हाँ मेरा खेत। फिर हमें यहाँ के आगे जाके नहीं बोला, वो जात बार गिर रहा क्या? जाति बहुत सर। मतलब आप जात में से गिर रखे हो? हाँ। ये शब्द किसने बोले? ये बोले है एक तो करतार। हाँ। हाँ। एक का ईश्वर, ये एक कतोखे का जय सिंह, एक यो सरपंच, ये सभी आदमी मिलकी ने जो ये मिल रहे हैं इस फ्रेंड में, ये सभी आदमी मिलकी जात बार गिर रखा है। फिर गांव वालों ने मेरा निंदा कोका मेरा मतलब सब सौदा बंद कर दिया। एक चीज और भी है जी, ये जाति सूचक शब्द का शायद उनको पता नहीं है, ऐसी एक धारा क्या होती है और उस पर कार्रवाई क्या होती है। इनको जो है जात में से घेर दिया, यानी कि जिस जाति के हैं, मैं हमारी मीडिया जो है जाति सूचक शब्द जो बीच में नहीं आने देती, क्योंकि हम जाति और धर्म से नहीं जुड़ रहे, हम इंसानियत से जुड़ रहे हैं। जहां इंसान को और इंसानियत को दबाया जाएगा वहां मीडिया अपना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा ही लेगा, चाहे कुछ भी हो। आज इनके साथ में एक कसूरदार ये जरूर है,
वो सब मानते हैं कि दूसरी बहू घर में लाना, लिव रिलेशन में रखना और पहली बेटा घर में होते हुए, लेकिन इनके आरोप को देखे वो गुना बिल्कुल छोटा सा है। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, पूरा जो है गामराम कह रहा है, और जो है इनके ऊपर एसेट के मुताबिक जो है कार्रवाई हो, जो कि जात बरादरी में रखने लायक नहीं बताए जा रहे हैं कि जात इनका न्योता भी हुक्का पानी भी सब बंद कर दिया है और ना ही कोई ना खेत बोएगा और ना ही इनको बोने देंगे, ऐसे ना जी। हाँ न्यू है जी, सारे फिर एक कुंवर है अपना जाति का, उसने निंदा दिया उसमें, मतलब पंचायत उसे नहीं बढ़ने देंगे, जैन से मारेंगे। फिर मैंने गांव का हाथ जोड़ के पूरी गांव की पंचायत करी है, अगर मैं झूठा है जिसका मतलब कि तब बयान ले लो के रणबीर भाई मैं कही है भाई क्या अपराध से लो भाई तेने जात भर गए दियो, मैं हाथ जोड़ की माफी मांगी है, गांव राम पूरा खड़ा है इसमें, अगर झूठ पावे तो मेरे कसूरवार हूँ मैं, इसे बात छाणी जाए, दूध और पानी छाणा जाए अगर मेरी बात में झूठ है तो। मैंने नहीं तो जिम मन दी कित नहीं बात थी, मेरा खेत बेन अट के पड़ोसी बैठा का, अगर कोई सताई नहीं हो झूठी बात हो तो मैं आपके साथ हूँ, कोई देख लो। ऐसे कल्चर को बार बार धन्यवाद, बाहर के गुंडों से बहुओं से थप्पड़ खाए लट खाए मिया अभी भी, और जात में से घेर दे उनके ऊपर ऐसे एक धारा ये लगाना चाहे वह कार्रवाई भी ना हो, क्या तरक्की करेगा ये गांव। और जिस दिन ने पिताजी ने माफी मांगी कि भी ठीक है माफी मांग के, उस दिन उसने फांसी खाने का ढोंग भी किया, मतलब पिताजी मार खा रहे हैं, माँ मार खा रहे हैं, माफी वही मांग रहे हैं। हाँ तो उसने क्या किया कि फेसबुक पे वीडियो डाली फांसी खाने का ढोंग के, उसमें साफ साफ कह भी रही है कि उसने तो गाँव के सामने माफी मांग ली, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अब तो मरूंगी और मेरी मौत के जिम्मेवार मेरे सास ससुर, मतलब हम पूरे परिवार का नाम लेके उसने ये ढोंग किया। और फिर उसके ऊपर भी हमने पुलिस में एक शिकायत दी थी कि जी ये झूठा हमारा नाम लेके और ऐसा हमें फंसाने के लिए ऐसा कुछ कर रही है, लेकिन पुलिस ने उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की।